क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको देखकर सबके मुंह से निकला पैन स्टॉक। इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंकन खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यू अपने हेलमेट स्ट्रिप में कुछ गड़बड़ी के कारण एक यूनिक तरीके से आउट हो गए और इस इंसिडेंट ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच चल रहा था। श्रीलंका का स्कोर 135/4 था और पिछले खिलाड़ी के आउट होने के बाद मैथ्यू को क्रीज पर आना था, बट कहानी में आया अचानक से ट्विस्ट और मैथ्यू भाई साहब हो गए टाइम्ड आउट। जी हाँ, टाइम्ड आउट मतलब वो समय पर क्रीज पर नहीं पहुंच पाए। दरअसल आईसीसी के रूल्स के मुताबिक एक नए बैट्समैन को 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर पहुंचना होता है, लेकिन हेलमेट के कारण वो मैदान तक तो पहुंच गए पर क्रीज पर नहीं पहुंच पाए। इसको देखते हुए बांग्लादेशी कैप्टन शाकिब ने एम्पायर को आउट की अपील की और एम्पायर ने उन्हें आउट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद मैथ्यू काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई देते हुए बताया कि वो टाइम से पहले क्रीज पर पहुंच गए थे। शाकिब को सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्हें उस समय पे अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी।